हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में क्लास टेंथ का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 उसके एनसीईआरटी बुक के हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, जो बुक के अंदर दिए हुए हैं आपके पास। अगर आपके पास बुक प्रेजेंट है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं पहले पेज नंबर 200 के ऊपर जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप मेरे चैनल पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं बेटा, जो पुरानी हमने कर रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है बेटा, 1 to 18 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चन है 1 by 1, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी इन टेक्स्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? इट इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ और अरेंजमेंट ऑफ द अप्लायंसेज। अरेंजमेंट होता है बेटा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होती हैं। अप्लायंसेज का मीनिंग यहाँ पर क्या, जैसे एसी, फैन, जो भी आपके पास अपरेटस है, उनको हमने इस ऑर्डर में लगाने के क्लोज पाथ बन जाए और उस क्लोज पाथ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। तो उस क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। उस क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ में आया क्या होता है? अच्छा एक बात और, ये 2 टाइप का होता है बेटा, क्लोज और ओपन। क्लोज और ओपन। क्लोज कब बोलेंगे? की है यहाँ पर स्विच। अगर आपका स्विच ऑफ है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओपन सर्किट। अगर आपका स्विच ऑन है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। तो ये आपका 2 तरह का सर्किट होता है, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर डिफाइन 1 एम्पियर। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं पर में, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए डिफाइन 1 एम्पियर, तो मैं यहाँ पर 1 एम्पियर को डिफाइन करता हूँ। एम्पियर हमें पता है कि करंट की यूनिट होती है, तो मैंने करंट का फॉर्मूला लिखा I इक्वल टू क्या होगा? अपॉन T। अब I का वैल्यू 1 कब आएगा? जब क्या होगा वैल्यू 1 होगा, T का वैल्यू 1 होगा, 1 से 1 डिवाइड होके 1 आ जाएगा। यूनिटरी मेथड में करते वैसे 2 अपॉन 2 भी 1 आता है, पर हम क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में करते, ईजी हो जाता है समझना हमारे लिए। तो क्या का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 1 है, एम्पियर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट सेट 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर कब बोलेंगे? व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कि जब किसी वायर में से या किसी कंडक्टर में से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है 1 सेकेंड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपके सामने लिख दिया स्टेटमेंट, उसकी क्या स्टेटमेंट है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहते हैं कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आज तक जो आप पढ़ते हैं कि 1 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 कूलम में 2 इलेक्ट्रॉन, ये गलत है बेटा। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको हम समझते हैं। देखिए 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज चाहिए, तो मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज बनता है। तो इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज बनता, तो एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? टोटल चार्ज क्या है, आपको कितनी वैल्यू दी है? 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर कर दिया एन है, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 1.6 × 10⁻¹⁹ है, ठीक है। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, हमें एन निकालना है। तो ये 1.6 × 10⁻¹⁹ उधर मल्टीप्लाई में दरा क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आप क्या लिखेंगे? 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इक्वल टू एन। तो ये 10^19 ऊपर जाके जब प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको? 1 × 10⁻¹⁹ / 1.6। अब हमें क्या करना है? 1 को 1.6 से डिवाइड करना है, जो डिवाइड होगा नहीं आपसे इजीली। तो हमने इसका पॉइंट हटाया, ये ऊपर 10 बन गया बेटा। अब ये 10/16 है, ये अभी भी आपसे इजी डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ये 10^1 है, ये 19 है, तो टोटल 20 हो गया। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया बच्चों, 100 × 10⁻¹⁸ लिखा जा सकता है। कोई मैंने कोई हार्ड मैथमेटिक्स नहीं किया, सिर्फ ये क्या किया, एक पावर इससे ले ली, तो अपॉन में 16 है। तो अब क्या करो, 100 को 16 से डिवाइड करो, 16 बन जाए 16, 16 6 जा 96, बचेगा 4, 40, 62 जा 38, बचेगा 8, 80, 65 जा 80 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पर, तो 6.2
2 × 10⁻¹⁸। तो ये क्या आगे बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे एक कूलम चार्ज बनाने के लिए जो हमें चाहिए। अब पेपर में ये 1 कूलम पूछा है, हो सकता है आपसे 10 कूलम पूछ ले, तो 10 कूलम पूछे तो क्या करोगे आप, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कहते हैं 50 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, भाई हमें 1 कूलम के पता चल गए हैं, हमें 1 कूलम के पता चल गए। अब आप जितने मर्जी कूलम पूछें, सिर्फ इससे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। अगर कहते हैं 100 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, तो आप इसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।